हेलो प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम प्राथमिक स्तर पर मानसिक योग्यता विषय में घड़ी के बारे में जानेंगे। तो आइए हम वर्कशीट देखते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है घड़ी। बच्चों, आप सभी के घर में घड़ी होगा और आप घड़ी देखना जानते भी होंगे। इस घड़ी को देखिए बच्चों, किसी भी घड़ी का जो डायल होता है ना, वह एक वृत्त होता है। आप इस घड़ी को देखिए, इस घड़ी में 1 से लेकर के 12 तक अंक लिखे होते हैं, जो दिन के 12 घंटों को प्रदर्शित करता है। इस घड़ी में आपको 3 सुइयां भी दिख रही होंगी। एक जो छोटी सुई है वो घंटे को प्रदर्शित करती है, जो बड़ी सुई है वह मिनट को प्रदर्शित करती है, और जो पतली सी सुई आपको दिख रही है वो सेकंड को दर्शाती है। और हम सभी जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। मिनट की सुई अगर एक अंक से दूसरे अंक की दूरी तय करती है तो वह 5 मिनट की दूरी तय करती है, लेकिन अगर घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर जाती है तो वह 1 घंटे की दूरी तय करती है। मिनट की सुई अगर 1 मिनट की दूरी तय करती है तो वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण भी बनाती है। तो इस तरीके से अगर हम और अधिक समझना चाहें तो अगर मिनट की सुई 5 मिनट में की दूरी जब तय करेगी तो 5 × 6 = 30 डिग्री का कोण वह बनाएगी। मतलब मिनट की सुई 5 मिनट अगर दूरी तय करेगी तो वह 30 डिग्री का कोण बनाएगी। साथ ही बच्चों, आप यह भी जानिए कि घंटे की जो सुई होती है वह 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण पूरा करती है, क्योंकि घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जबकि जो मिनट की सुई है वह 60 मिनट में ही 360 डिग्री का कोण पूरा करती है, क्योंकि वह 60 मिनट में ही एक पूरा चक्कर लगा लेती है। और साथ ही प्रत्येक घंटे में घड़ी की जो मिनट और घंटे की सुई है ना, वह आपस में एक बार ज़रूर मिलती हैं। और जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण या 90 डिग्री का कोण बना रही हों तो एक दूसरे से 15 मिनट की अंतराल की दूरी पर होती हैं, और यह प्रति घंटे में 2 बार होता है। और जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों तो ये 30 डिग्री अंतराल से अलग होती हैं, और यह प्रति घंटे में 1 बार होता है। आपको पता है, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार आपस में मिलती हैं, इसलिए 24 घंटे में ये सुइयां 22 बार आपस में मिलती हैं। प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। आइए बच्चों, एक उदाहरण देखते हैं। यदि घड़ी में 10 बजे हों तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? हमने अभी अभी पढ़ा है कि मिनट की सुई अगर 1 मिनट की दूरी तय करती है तो वह 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब वह 10 मिनट की दूरी तय करेगी तो हम उसे 6 × 10 कर देंगे तो यह 60 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो उत्तर हमारा 60 डिग्री होगा। आशा है आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। यहाँ कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए दिए गए हैं, इसे हल करने का प्रयास करें और अपने उत्तर का हल अगले वर्कशीट में दिए गए उत्तर से करें। साथ ही क्रमांक 024 के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर माला को भी देखें। हम फिर मिलते हैं।